नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोनिफ खान। दिल्ली नगर निगम चुनाव की खास कवरेज में आज हम पहुंचे हैं कृष्णा नगर इलाके में। हमारे साथ क्षेत्र के कई लोग यहां पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहां के लोगों का क्या रुख है। आपको बता दें कि 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो यहाँ के लोगों से ये भी जानेंगे कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की जो निगम है उसके द्वारा यहाँ पर दी जा रही सुविधाओं यहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं, पार्कों की हालत कैसी है, साफ सफाई कैसी है, और ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का दावा है कि निगम में भी केजरीवाल सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये सरकार केजरीवाल अपनी बातों को यहाँ तक पहुँचा पाए हैं या नहीं, या फिर यहाँ के लोगों का रुख कांग्रेस की तरफ है। इन सारी बातों को लेकर यहाँ पर हम पहुँचे हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, इनसे पूछते हैं, सर जिस तरीके से 15 सालों से बीजेपी सत्ता में है, क्या आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या फिर आप निगम में भारतीय जनता पार्टी के काम से संतुष्ट हैं? भाई साहब, जो नगर निगम का जो काम है उसमें सबसे बड़ा काम है कूड़ा और सफाई। हमारे क्षेत्र में कूड़ा भी उठ रहा है और सफाई भी हो रही है। और दूसरी चीज़, अभी इस समय आप पार्क में खड़े हुए हो तो मैं आपकी एक जो है जानकारी में और जनता की जानकारी में ये चीज़ डालना चाहता हूँ कि केजरीवाल सरकार ने एनजीटी से एक नियम लागू करके ये करा है कि जितने भी पार्कों के जो है अंदर जो है पंप ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो जो है बंद करवा दिए गए। लोग जो है वहाँ पे आके FDM का ऑर्डर करवा के एनजीटी का आदेश है, इस पर एनजीटी का आदेश नहीं है ना। ये तो आप बोल रहे हो कि MCD में जो है पार्क आते हैं तो पार्कों की रखवाली और देख रेख जो है हरियाली कैसी होगी? हरियाली इस तरीके की होगी कि STP प्लांट से यहाँ पर निगम का काम है यहाँ तक पानी पहुँचाना। भाऊ जी, पानी जो है ढोते रहेंगे। केजरीवाल ने 13,000 करोड़ रुपए तो बकाया कर रखा है, तो जो है पानी ढोने का जो है किराया जो है कहाँ से लाएगा एक आदमी? जो बताइए, यहाँ के साफ सफाई की सफाई आप जो है कैमरा घुमा के अपना देख सकते हैं कि साफ सफाई है, सब कुछ है, और हम MCD के कार्यों से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। जिस तरीके से यहाँ पर अब महिला सीट हो गया है, क्या आपको क्या लगता है कि कैसे कैंडिडेट को कोई भी पार्टी उतारे ताकि आप लोग उससे संतुष्ट हो या उसे आप पार्षद बने? देखिए, संगठन जो भी निर्णय लेता है वो बहुत सोच समझ के लेता है, इसमें हमें राय देने की जरूरत नहीं है। जो भी संगठन निर्णय लेगा वो उनका कहना है कि जो भी पार्टियां हैं उनका अपना फैसला है वो किसे उतारती है। मैम ये बताइए, साफ सफाई होती है क्षेत्र में? इतनी नहीं होती, होती तो है लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए ना उस तरह से नहीं होती। क्या कुछ दिक्कतें हैं? दिक्कतें हैं, नालियां सीवर बंद होते हैं, कूड़े की ढेरियां लगी होती हैं, कहना पड़ता है उठाओ उठाओ उठाओ, फिर कहीं जाके कोई उठाने आता है, नहीं तो नहीं। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि साफ सफाई होती तो है लेकिन रोजाना नहीं होती है, कई जगह कूड़े जमा रहते हैं, कर्मचारी को बोलने के बाद ही वो कूड़े उठ पाता है। कुछ और महिलाएं, मैम नगर निगम चुनाव है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि BJP को रहना चाहिए? BJP को रहना चाहिए। क्या कुछ खास किया BJP ने 15 साल में? कूड़ा उठता है यहाँ पे? कूड़ा उठता है? हाँ जी, हाँ जी उठता है यहाँ, घरों से कूड़ा उठता है? हाँ जी, घरों से, मतलब गाड़ी आती है, गाड़ी के अंदर हम कूड़ा डालते हैं तो गाड़ी आती है लेके जाती है हमारा। बाकी पार्क है, उन्होंने जो हमारा करवाया, लोग पार्क में गन बोट डालते हैं और पार्क में एक ना आप वो बनवा दो जिम। हाँ जी, तो आप तो यहाँ के जो भाजपा के पार्षद है उनको बोला नहीं जिम बनवाने के लिए? हमने कहा है, देखो आगे क्या करते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि पार्क की हालत तो ठीक है लेकिन यहाँ जिम हो जाए तो और भी बेहतर है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैम इस बार क्या झाड़ू चलेगा, पंजा चलेगा या फिर फूल खिलेगा? सॉरी, फूल चलेगा। फूल चलेगा, क्या क्या फूल ने आपके लिए? करेंगे, आएंगे तो, और पहले भी करते रहे। यहाँ तो कोई फूल नजर नहीं आ रहा पार्क में। वो तो ऑलरेडी है फूल। कहाँ फूल का पार्क में एक भी फूल नहीं नजर आ रहा, कैसे फूल खिलाइएगा? वो गुलाब के फूल है उधर, कमल का आएगा। अच्छा, तो खैर देखिए इनका कहना है कि फूल पार्क में रहे न रहे लेकिन फूल खिलेगा जरूर। कुछ और भी हैं, आप बताइए फूल खिलेगा या पंजा चलेगा या फिर झाड़ू? आप अपना ओपिनियन दीजिए। हाँ, फूल खिलेगा। फूल खिलेगा, इनसे बात कीजिए। आप बताइए मैम, ये बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार का ये दावा है, अरविंद केजरीवाल का सरकार का ये दावा है कि उसने बिजली मुफ्त कर दिया, मतलब सस्ता रेट पर कर दिया, पानी भी सस्ती कर दी, महिलाओं के लिए फ्री कर दिया, बस ये सारी सुविधाएं हैं, तो ऐसे में निगम में भी उनको उनकी सरकार बननी चाहिए ताकि यहाँ के बिल सुधार हो। हमें बदलाव चाहिए, हमें अपना नज़रिया बदलना है। देश जो राष्ट्रहित में काम करे, राष्ट्रहित में BJP के अलावा हमें कोई नज़र नहीं आ रहा।
बीजेपी ही नंबर वन पे है इस समय। पर हम लोगों में ये गलती है कि हम लोग चुनाव देने, अब जो मेन चुनाव होंगे हम लोग बाहर पूरे नहीं निकलते, दूसरे लोग सब निकल रहे हैं, हमें भी अपने मत का पूरा अधिकार करना चाहिए। और ये आप प्लीज़ ये शराब के ठेके बंद करवाइए, जो कि तो ठीक है लेकिन ये नगर निगम का चुनाव ये क्षेत्रीय लेवल पर होता है, नालियाँ कूड़ा करकट पार्कों की सूरत, इस पे सुधार चाहिए कि हाँ चाहिए? पार्कों में सब अभी आपको सबने बताया कि क्या है इनकी समस्याएं, पर मेरी समस्या है 4/35 के पास ना आए दिन लोग गिरते हैं, वहाँ पर काफ़ी बड़ा खड्डा, एक छोटी सी पुलिया बनी हुई है, आते जाते लोग गिरते हैं। आप प्लीज़ आप थोड़ा सा ना हाँ प्रशासन को कहिए वहाँ पे थोड़ा सा। सर जी को नहीं बोला आपने? नहीं मैंने बोला है, उनको बोला है तो। 5 साल बीत गया, आप कब करेंगे? हाँ बस आप बताइए मैम, क्या आपको लगता है कि बदलाव होगा? सर बदलाव होगा ये ना केजरीवाल ही करेगा, केजरीवाल ही खिल रहा है, कुछ नहीं कमल को किसी ने वोट देना। लोग कहते हैं हाँ जब वहाँ जाते हैं तो सब झाड़ू पे वोट लगाते नहीं, हैं। जो गलती की सर वो सुधारेंगे। ये बताइए झाड़ू खिलेगा कि इस बार फूल खिलेगा? झाड़ू नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहिए। मुसलमान राज बनवा देगा अगर केजरीवाल जीत गया तो, इसको हटाना है कमल को खिलाना है। बिल्कुल जी अपना नजरिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का कहना है कि जो फूल की नगर निगम में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनसे वो संतुष्ट हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। हालांकि कई लोगों का कहना है कि पार्क में भी समस्याएं हैं और गंदगी भी बहुत है, तो ऐसे में कई लोगों का ये मानना है कि बदलाव होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि आने वाले इलेक्शन में यहाँ के लोग किसके सर पर ताज पहनाते हैं। एस के सिन्हा के साथ मोनिफ खान, कृष्णा नगर, दिल्ली।